हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना फ्रूटी के फ्रूटी फ्लेवर आइसक्रीम। इसे बनाना बेहद आसान होगा और ये आपको बिल्कुल फ्रूटी वाला टेस्ट देगा इस आइसक्रीम में। तो किस तरह से बनेगा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या क्या चीज लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी, तो आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और भी कोई आपकी फरमाइश हो तो जरूर लिखें, मैं उसे बनाने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगी। और देखते हैं कि फ्रूटी फ्लेवर आइसक्रीम कैसे बनेगा। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, हम दो आम ले लिए हैं पका हुआ, एक आम लिए हैं कच्चा। तो दो आम पका इसलिए लिए हैं कि हमें फ्रूटी फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है। तो देखिए, हम सभी आमों को, कच्चा आम को भी छील लेंगे और पक्का आम को भी छील लेंगे। तो इस तरह से पीलर से आप बिल्कुल आसानी से छील लें आम को। और छीलने के बाद में हमें करना क्या है, इसका सारा पल्प निकाल के प्लेट में रखते जाना है। तो जैसे ही मैं छील लेती हूँ, मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो आम है हरा वाला, बिल्कुल छील के कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसे पल्प निकाल लेती हूँ पहले। तो देखिए, इस तरह से पल्प निकालने या किसी भी तरीके से आप पल्प निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो मैं जैसा मर्जी कर रहा हूँ इसे निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पल्प निकल के बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में रेडी हो रहा है। आप इसे बड़ा टुकड़े में भी काट सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा, ज्यादा बड़ा टुकड़ा ना काटें। तो इसी तरह से हम सारा पल्प को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में पका हुआ आम को भी छील लेते हैं। तो देखिए, हम पका हुआ आम को भी छील लेते हैं। तो सबसे पहले डंठल हटाएंगे, उसके बाद में छिलका उतार लेंगे। पका हुआ आम बहुत ही आसानी से छिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फ्रिज में मैं रखी थी, तो 3-4 दिन हो गया है, तो आम का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। आप अगर फ्रेश आम का बनाते हैं तो भी इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए, आम को हम बिल्कुल रसीला आम है। सारा के सारा पल्प को हम कढ़ाई में डाल लेंगे। इसे हम ज्यादा नहीं, 2 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे। तो हमें सेम फ्रूटी के जैसे ही बनाना है। ये मैं फ्रूट कलर डाली हूँ, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, ना भी डालें। लेकिन मैं बिल्कुल फ्रूटी का कलर आने के लिए ये फ्रूट कलर का यूज की हूँ। आप चाहें तो आम का कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम सभी को मिक्स कर लिए, फ्रूट कलर भी और चीनी भी हमारा घुल गया है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी आप 2 कप डाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो आम आम का पल्प है उसे हमें बिल्कुल अच्छा से बॉयल करना है। तो ढक्कन से ढक के ऐसे 5 मिनट तक बॉयल करेंगे, तो आपका जो आम है अच्छा से बॉयल होके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आम है बिल्कुल गल चुका है। तो अब हमें इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद में ही इसे आप जार में डालें, वरना आप गर्म में डालते हैं तो जार में से बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए, हम 2 चम्मच गाढ़ा दही डाल रहे हैं। ये गाढ़ा दही है, आप मतलब कि जो दही है बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के और इसे छन्नी से छान भी सकते हैं, क्योंकि आम में एक दो रेशा रहता है, लेकिन वो रेशा वाला ही खाने में आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप चाहें तो छान भी सकते हैं, बिना छाने भी बना सकते हैं। तो मैं एक केक टिन ली हूँ, आप चाहें तो किसी भी एयरटाइट डब्बा में इसे बना सकते हैं, जमा सकते हैं। तो देखिए, हम इसे केक टिन में ही जमा रही हूँ। तो केक टिन में मैं डाल लेती हूँ, ऊपर से हम इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और जो भी चीज आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट पसंद हो ड्राई फ्रूट डालें, या चोको चिप्स पसंद हो चोको चिप्स डालें, कुछ भी आपको जो भी इच्छा हो वो डाल सकते हैं। तो मैं काजू डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालूंगी मैं बादाम। तो जैसे कि मैं बताई, अपने चॉइस के अनुसार इसे सजा सकते हैं इस आइसक्रीम को। तो मैं ड्राई फ्रूट ही डालना पसंद करूंगी, ऊपर से मैं डालूंगी ये फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल का भूरा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसे भी हम अच्छे से लगाने लेंगे, चारों तरफ छिड़क लेंगे कि पूरा बराबर हमारा
आम के फ्लेवर में आ जाए, जब हम काटेंगे इसे तब बिल्कुल प्रॉपर आएगा। तो देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा सौंफ डाल रहे हैं, इस तरह से सौंफ आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, या आप बिना डाले भी इसे बना सकते हैं, या ऊपर से आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, जो आपका इच्छा है। ऊपर से हम फॉइल पेपर से रेप कर देंगे। रेप करने के बाद में आपको मैं बता रही हूँ कि इसे हमें डीप फ्रीजर में 4 से 6 घंटा के लिए रखना है। उसके बाद जो हमारा आइसक्रीम है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो 4 घंटा के बाद मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो आइसक्रीम है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जम गया है। देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो इसे अब हमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक थाली में हम पानी ले लेंगे। देखिए थाली में पानी इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा आइसक्रीम जमा है तो बेस से, जो हमारा केक बेस नीचे है तो वहां से छोड़ दे और बहुत ही आसानी से आइसक्रीम हमारा निकल जाए। तो देखिए इस तरह से आप घर पे फ्रूटी फ्लेवर आइसक्रीम बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही लजीज लगता है और देखने में भी बेहद खूबसूरत। तो इसे जरूर आप ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए मात्र रखे हैं पानी में, उसके बाद हम इसे निकालते हैं। अब तो मैं एक चाकू से इसे निकाल लूंगी, या किसी भी चीज से आप प्लेट में भी डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से कटिंग कर लें, या किसी भी शेप में इसे कट करके अपने फैमिली को, अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो आम का सीजन तो दोस्तों आ ही गया है, तो क्यों ना बनाया जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे क्लिक करना भूले ही ना। तो उसे क्लिक करने से ये होगा कि हमारा जितना भी नया नया वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंचता रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूल। तो इसी तरह से आप खाते रहें और मुस्कुराते रहें और रोजाना खाना से जुड़े रहें। आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।